हेलो बच्चों, पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्या? आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ आरएक्स फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से हम आरएक्स का निर्माण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आरएक्स का निर्माण हम पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे? फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से पढ़ेंगे। एल्कोहल का कॉमन फार्मूला क्या है? आरओएच। आरओएच को क्या हम कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। तो R इसमें एल्के समूह है, OH आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जिसे आप एल्कोहल ग्रुप भी इसको कहते हो। तो इससे हम आज इसका निर्माण जो है पढ़ेंगे। तो देखिए पहला इसमें हम पढ़ने वाले हैं हैलोजन अम्लों की क्रिया द्वारा। तो पहला इसमें हम पढ़ेंगे क्या? आज पूरा का पूरा एल्कोहल से ही बनेगा। एल्कोहल से हम बनाएंगे RX का, और एल्कोहल से RX को बनाना बड़ा आसान है और ये बड़ा सरल अभिक्रिया है। आसान है, सरल है और एकदम सुविधाजनक है। बहुत फटाफट इससे बड़े आसानी से जो है और एक्स का निर्माण होता है। तो देखिए पहले इसमें हम देखते हैं हैलोजन अम्लों की क्रिया द्वारा। हैलोजन अम्ल का मतलब बच्चों HX। HX क्या आपका? हैलोजन अम्ल है। तो हैलोजन अम्ल में इसमें क्या आपका होता है? जो HX आपका होता है, इसका मतलब क्या हो गया? HX का मतलब क्या हो गया आपका? जैसे आप HCl से करा सकते हैं, HBr से करा सकते हैं, HI के साथ करा सकते हैं, ये आपके हैलोजन अम्ल है। इनके साथ क्रिया हम कराएंगे। तो विशेषकर पहले हम यहाँ देखते हैं HCl के साथ, इसका हम देखेंगे पहले यहाँ पर हैलोजन अम्ल की क्रिया द्वारा। तो हैलोजन अम्ल की क्रिया में पहले हम देखते हैं यहाँ पर आप एल्कोहल लेते हो, तो एल्कोहल आपका क्या है? ROH। ये आपका क्या है? एल्कोहल, यानी कि जिसको आप कहते हैं एल्केनॉल कहते हो। क्या कहते हैं इसको? एल्केनॉल कहते हैं। मतलब एल्केन से ई हटता है और ओएल ओएल जुड़ता है सफिक्स, तो ये आपका बन जाता है एल्केनॉल बन जाता है। तो इसको हम किससे रिएक्शन कराते हैं? HX से कराते हैं। किससे कराते हैं? HX से क्रिया कराते हैं। तो बच्चों ये क्या होगा? इस हैलोजन, इस हैलाइड के द्वारा, इस हैलोजन परमाणु के द्वारा या इस हैलाइड के द्वारा ये OH क्या होगा? ये OH क्या होगा? OH ये वाला HX यहां पर चला जाएगा और OH क्या होगा? यहां पर चला आएगा। ठीक है, यहां पर चला जाएगा। अब देखिए क्या बन जाएगा। और ये किसी निर्जली कारक की उपस्थिति में क्रिया होती है। किसके? निर्जली कारक, निर्जली कारक यहां पर लगाएंगे। निर्जली कारक जैसे आप यहां पर लगाएंगे जिंक क्लोराइड, निर्जली कारक की उपस्थिति में निर्जल जिंक क्लोराइड या अनाद्र अनाद्र जिंक क्लोराइड। अनाद्र जिंक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया इसकी कराएंगे तो क्या बन जाएगा? देखिए OH यहां से X यहां पर आ जाएगा OH के स्थान पर, और OH कहां चला जाएगा? यहां। तो क्या आपका बन गया? RX बन गया, और ये क्या बन गया? H। तो ये आपका H यहां है, OH यहां पर चला आया, तो AOH बन गया। या इसी को हम क्या कह सकते हैं? H2O कह सकते हैं। ठीक है, H2O कह सकते हैं। तो इसमें H2O ये आपका बन गया, एल्केनॉल से क्या बन गया? हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया, या हैलो एल्केन आप इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हैलो एल्केन। तो ये कॉमन नाम के लिए, IPAC नाम के लिए है, और ये IPAC नाम ही इसका लिखा गया है। अगर इसको आप कहेंगे एल्किल एल्कोहल, क्या कहेंगे? एल्किल एल्कोहल इसको आप कहोगे। तो ये कॉमन नाम है और ये IPAC नाम है इसका। तो देखिए यहाँ पर जो आपका जल बना है, तो यहाँ पर जो निर्जली कारक आपका जिंक क्लोराइड प्रयोग किया गया है, अनाद्र जिंक क्लोराइड जो प्रयोग किया गया है, ये जल को क्या करता है? अवशोषित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड क्या करता है? जिंक क्लोराइड H2O को क्या करता है? H2O को क्या करता है? ये अवशोषित, अवशोषित जो है करता है, अवशोषित करता है, जिससे अभिक्रिया की जो अवशोषित कर लेता है, जिससे जिससे क्या होती है? अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता रुक जाती है, अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता, उत्क्रमणीयता क्या होता है? होती है इसकी, ये जो है रुक जाती है, यानी कि रोक देती है।
ये अभिक्रिया तो जिंक क्लोराइड अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता को रोक देता है। अगर ये जिंक क्लोराइड बच्चों ना प्रयोग किया गया होता तो क्या होता, ना किया गया होता तो ये फिर जल के साथ ही रिएक्शन करके फिर एल्कोहल और HX का निर्माण हो जाता। ठीक है, बात आई समझ में। इसलिए अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, अगर ये ना होता तो अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती, इसलिए यहाँ पर जिंक क्लोराइड को लगाया गया है। और जिंक क्लोराइड क्या है, ये जिंक क्लोराइड क्या है, एक लुईस जो है ये एसिड की भांति व्यवहार करता है। तो जिंक क्लोराइड एक क्या है आपका, लुईस एसिड है। क्या है, लुईस एसिड है, जो क्या करता है, जो यहां पर जो CO बंद होता है, यहाँ पर C और O के बीच में जो यहाँ बंद है, ये जो C और O के बीच में क्या है, बंद है, इसको क्या करता है, इसके पास चूंकि यहाँ पर लोन पेयर होता है तो इसके साथ ये जिंक क्लोराइड जुड़कर इसके बंध को क्या करता है, कमजोर करता है। बंध को क्या करता है, कमजोर करता है, बंध को, इसके बंध को कमजोर करता है, कौन करता है, जिंक क्लोराइड। इसको आप लिखेंगे तो जिंक क्लोराइड का काम क्या है, जो न्यूट्रल जिंक क्लोराइड है या ना जिंक क्लोराइड है, क्या काम करता है, H2 को अवशोषित करता है, जिससे अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता क्या होती है, रुक जाती है, अभिक्रिया पीस बैक नहीं हो पाती है। और यहाँ जिंक क्लोराइड किसका काम करता है, ये जिंक क्लोराइड लुईस एसिड की भांति जो है व्यवहार करता है। और यहाँ पर लुईस एसिड की भांति इसलिए व्यवहार करता है क्योंकि ये लुईस एसिड है और इसके बाद ऑक्सीजन जो CX बंद है, CO बंद है, यानी कि RO बंद है, यहाँ पर कह सकते हैं R के स्थान पर क्या होगा, कोई कार्बन ही तो होगा, तो इसके बंध को क्या करता है, इसके साथ जिंक क्लोराइड लोन पेयर लेकर, इससे लोन पेयर इनसे लेकर और इसके बंध को क्या करता है, कमजोर भी करता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। अब इसका हम मेन रिएक्शन देखते हैं, तो हाइलोजन अम्ल के साथ पहले हम इसकी क्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर यूज क्या किया जाता है, यहाँ पर यूज हम क्या करेंगे, सांद्र जो है कंसंट्रेट HCl और प्लस जिंक क्लोराइड का उपयोग करेंगे, जिंक क्लोराइड अनाज जिंक क्लोराइड का उपयोग करेंगे और इसको हम क्या कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं, क्या कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक रिएजेंट कहते हैं। तो ये ल्यूकास रिएजेंट है, तो इसी के साथ अभिक्रिया होगी सांद्र HCl और ये आपका जो अनाद्र जिंक क्लोराइड है, यानी कि जो जिंक क्लोराइड है, इसी को हम क्या कहते हैं, ल्यूकास रिएजेंट, तो इसके साथ अभिक्रिया जो है यहाँ पर कराई जाएगी। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, यहाँ पर जानते हैं क्यों उपस्थिति इसकी होगी, नहीं तो अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता अगर नहीं लगाएंगे तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, ये आपका बैक हो जाएगी। तो ये अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता को क्या करती है, रोक देती है इसको, है ना, रोक देती है इसको, इसलिए इसका यूज किया जाएगा। तो देखिए पहले हम यहाँ लेते हैं एल्कोहल को, ही अब लेते हैं, जैसे हम क्या ले यहाँ पर, अगर मेथिल एल्कोहल ले, मेथिल एल्कोहल और प्लस हाइलोजन अम्ल, यहाँ पर हम ले HCl ले सांद्र और यहाँ पर क्या लगाए हम, जिंक क्लोराइड। ठीक है, ये प्राथमिक एल्कोहल है, ये क्या है, प्राथमिक एल्कोहल भी इसको आप कह सकते हैं ना, मेथिल एल्कोहल, तो ये आपका क्या है, मेथिल एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल जिसको आप कहते हो, रिएक्शन करेगा। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, ये वाला यहाँ से निकल जाएगा और यानी कि हाइलाइट के द्वारा क्या होगा, ये OH क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, हाइलाइट के द्वारा ये OH क्या हो जाएगा, हमसे विस्थापित हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3Cl और प्लस क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा आपका, ये आप यहाँ पर इसको लगाएंगे या आप एथिल एल्कोहल आप लेते हैं और फिर HCl से आप इसको रिएक्शन कराते हैं, किससे कराते हैं, HCl से, और क्या लगाएंगे आप, जिंक क्लोराइड आप लगाएंगे यहाँ, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से देखिए OH और यहाँ से H निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका CH3CH2Cl प्लस क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा, है ना। तो ये क्या बन गया, मेथिल क्लोराइड और क्या है, एथिल क्लोराइड, तो ये है आपका मेथिल क्लोराइड और ये क्या है आपका, एथिल क्लोराइड। ठीक है, तो ये बनेगा यहाँ पर, इसको आप नोट करें, फिर आगे हम और बताते हैं। अगर प्राथमिक आप एल्कोहल ले लिया, इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी एल्कोहल के साथ, ये सब क्या है यहाँ पर, प्राइमरी एल्कोहल, यानी कि 1 डिग्री का एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल का प्राथमिक एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल आपने लिया, तो 1 डिग्री के एल्कोहल में आपका निर्जल जिंक क्लोराइड
जो होना आवश्यक है। तो इसको नोट्स बनाए इसका, फिर आगे चलते हैं हम। अब हम लेते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। क्या लेते हैं? सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं। तो सेकेंडरी एल्कोहल में आपका देखिए, सेकेंडरी एल्कोहल की कराएंगे, सेकेंडरी एल्कोहल में क्या होगा आपका CH3CH, ये आपका OH होगा और यहाँ पर ये सेकेंडरी एल्कोहल हो गया, है ना। यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। क्या कहेंगे? आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल होगा। या इसको आप टू प्रोपेनॉल कहेंगे। क्या कहेंगे? टू प्रोपेनॉल या प्रोपेन टू आल, ऐसा लिख सकते हो। यहाँ आइसोप्रोपिल एल्कोहल है तो ये इसके साथ, यानी कि ये सेकेंडरी एल्कोहल है। क्या है? टू डिग्री का एल्कोहल है, ये टू डिग्री का एल्कोहल है। इसके साथ आप रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ, यानी कि ल्यूकास अभिकर्मक के साथ सांद्र, ठीक, कराएंगे तो क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड, ये जिंक क्लोराइड के साथ। तो यहाँ से क्या होगा, ये आपका क्या होगा, यहाँ से देखिए ये हाइलाइट के द्वारा ये OH क्या होगा, यहाँ से प्रतिस्थापित हो जाएगा। क्या होगा? सब्स्टिट्यूट हो जाएगा हाइलाइट के द्वारा, OH क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका CH3CH, यहाँ पर Cl बन जाएगा और ये क्या हो गया आपका CH3 और प्लस क्या हो गया H2O। तो ये क्या बन गया आपका टू क्लोरो क्या बन गया, प्रोपेन, टू क्लोरो प्रोपेन बन गया। या इसको आप कह सकते हैं आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, कॉमन नेम है ये। तो ये टू डिग्री का आपका हैलाइड बन गया, टू डिग्री का हैलाइड इसको आप कह सकते हैं, बन गया, ठीक है, ये आपका हो गया। अगर आप तृतीयक एल्कोहल लेते हैं, क्या लेते हैं? तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल का मतलब जिस कार्बन से आपका OHA जुड़ा हो, जिस कार्बन से वह जुड़ा, एक तीन कार्बन से जुड़ा हो, यानी कि तीन कार्बन से, यानी तीन एल्किल समूह से जुड़ा हो, ऐसा भी आप कह सकते हो। ये आपका क्या है? तृतीयक एल्कोहल, यानी कि आपका थर्ड डिग्री का एल्कोहल है, थर्ड डिग्री एल्कोहल है, थर्ड डिग्री एल्कोहल। या इसको आप कह सकते हैं टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल। क्या कह सकते हैं? टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल। या अगर IUPAC में नाम इसका आप लिखना चाहते हैं तो यहां से बनेगा ये, एक दो तीन कार्बन होगा, ये आपका टू मेथिल और ये प्रोपेन, तीन कार्बन प्रोपेन टू आल, ठीक है, ऐसा, या टू प्रोपेन। अब इसका रिएक्शन आप किससे कराएंगे? इसका रिएक्शन आप कराएंगे HCl के साथ, सांद्र HCl के साथ। अब यहां पर जिंक क्लोराइड की आवश्यकता नहीं है, ये बिना जिंक क्लोराइड के ही हो जाएगा, ठीक है। तो एब्सेंट ऑफ ZnCl2, इसकी उपस्थिति कोई आवश्यक अब यहां पर नहीं है। अभी बताते क्यों, क्योंकि तृतीयक एल्कोहल जो आपका बहुत ज्यादा ये क्रियाशील है, बहुत ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए यहाँ पर जिंक क्लोराइड की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कंपाउंड, आपका क्या बन जाएगा, तो यहाँ से ये क्या होगा आपका, यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन के द्वारा ये OH क्या होगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3 और ये CH3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा Cl और प्लस क्या हो जाएगा H2O हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका टू क्लोरो और ये क्या हो गया टू पर मेथिल है, टू मेथिल क्या हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा, है ना, ये चीज यहाँ पर बन जाएगा आपका। यानी कि आपका थर्ड डिग्री का हैलाइड, ये कह सकते हैं थर्ड डिग्री का हैलाइड बन जाएगा ये, है ना। या इसको कह सकते हैं टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, ये IUPAC नाम है इसका, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड बन गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये, अब देखिए यहाँ पर, अब ये यहाँ पर क्यों, यहाँ पर ये अब्सेंट जिंक क्लोराइड की अनुपस्थिति में ही हो रहा क्रिया, क्योंकि आप जानते हैं
जो 1 डिग्री का आपका एल्कोहल होगा, 1 डिग्री का जो आपका एल्कोहल होगा, इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है, 1 डिग्री का एल्कोहल से ज्यादा होती है 2 डिग्री एल्कोहल की क्रियाशील। अभी 1 डिग्री 2 डिग्री हमारे स्ट्रक्चर बनाया है 2 डिग्री एल्कोहल की, और 3 डिग्री की क्या होती है, जो 3 डिग्री का एल्कोहल होता है इसकी क्रियाशीलता का क्रम ये है। तो इनकी ये क्रियाशीलता का क्रम है, ये सबसे अधिक ये कौन क्रियाशील है, तो ये बहुत जल्दी रिएक्शन कर देता है, तो इसलिए यहाँ एब्सेंट इसकी जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसकी क्रियाशीलता का क्या है, क्रम है। और आपके हाईलाइट के क्रियाशीलता का क्रम क्या है, तो HCl, HBr और HI, तो इनकी क्रियाशीलता का क्रम ये है, इनकी क्रियाशीलता का क्रम ये है, यानी कि ये जल्दी से रिएक्शन करेगा यहाँ पर, ये जल्दी से रिएक्शन करेगा। तो इसको आप नोट्स में इसको बनाए बढ़िया से। दूसरा देखिए, दूसरा हम कैसे बनाएंगे, इसमें हो गया है, दूसरा अगर हम देखें तो यहां एल्कोहल से ही बनाएंगे, इसमें आप मान लीजिए कि बी मेथड है इसका, ये वाला वो था, तो इसमें आप सांद्र है H2SO4 और प्लस जो है KBr, तो इससे आप रिएक्शन कराएंगे, तो ये कंसंट्रेट इससे रिएक्शन आप कराएंगे, तो ये क्या बनेगा आपका, यहाँ पर दिख रहा है नहीं, तो जो आपका B वाला होगा, तो यहाँ पर आप कराएंगे सांद्र H2SO4, ये सांद्र H2SO4 और जो है आपका KBr, ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड, ये पोटेशियम ब्रोमाइड है, ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड। तो इन पोटेशियम ब्रोमाइड से आप रिएक्शन जब इसको कराओगे तो क्या बन जाएगा, यहां पर क्या बन जाएगा, एक H निकल कर इसके साथ चला जाएगा, एक के साथ, तो यहां पर आपका बन जाएगा आप इसके साथ आपका चला जाएगा ये, सॉरी ये, तो ये यहाँ पर एक एच इसके साथ, एक एच बी आर के साथ चला जाएगा यहाँ, तो ये बन जाएगा एच बी आर और प्लस क्या बन जाएगा के एच एस ओ फोर बन जाएगा, ठीक है। ये अब एल्कोहल इसके साथ रिएक्शन करेगा, अब एल्कोहल क्या होगा इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो जो आप एल्कोहल लेंगे CH3, जब आपको पोटेशियम मतलब ब्रोमाइड का हाईलाइट आपको बनाना हो, तब आप करेंगे एल्कोहल ये लिया हमने और इसका HBr के साथ क्या किया, रिएक्शन कराया, HBr का 48% सांद्रता का यूज यहाँ पर होगा कंसंट्रेशन का, तो यहाँ से ये क्या निकल जाएगा H2O निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3CH2 और ये Br और प्लस क्या बन जाएगा H2O बन जाएगा, ठीक है। तो इससे आप बना सकते हैं, तो आपको अगर ब्रोमो एल्केन बनाना है, ब्रोमो एल्केन ये क्या है, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन या 1-ब्रोमो इथेन, अगर आपको ब्रोमो वाला बनाना है तो इस तरीके से आप बनाएंगे, पहले सांद्र H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे KBr की, पोटेशियम ब्रोमाइड की, तो बन जाएगा HBr और प्लस क्या बन जाएगा KHSO4 बन जाएगा, ठीक है। और फिर जो है ये आप रिएक्शन इसको जो है कराएंगे, फिर एल्कोहल आपका रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा, ठीक है। अगर आप ब्रोमाइड वाला बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसी में सी वाला है, अगर आपको आयोडाइड का बनाना है तो आयोडाइड को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले फास्फोरिक अम्ल लेना होगा H3PO4, ये क्या है फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक एसिड आपको लेना होगा, और फास्फोरिक एसिड की क्रिया आप किससे कराएंगे, KI के साथ क्रिया कराएंगे, पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराएंगे, पोटेशियम आयोडाइड के साथ आप रिएक्शन कराएंगे,
तो ये आपका 95% का होना चाहिए ये वाला सांद्रता का। तो इसे रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा HI बन जाएगा, क्या बन जाएगा HI। तो एक HI के साथ चला जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अम्ल है H पॉजिटिव ये देता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा KH2 बचेगा, K यहाँ चलाएगा KH2, और ये आपका K इसके स्थान पर चला जाएगा यहाँ, एक H जाएगा बच्चों, एक H यहाँ से जाएगा, तो बन जाएगा KH2PO4। तो HI आपको बनाना था ही, HI बन गया, और ये पोटेशियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट ये बन जाएगा, नाम लिखिएगा पोटेशियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट। अब इसकी जो है आप रिएक्शन कराएंगे किसी एल्कोहल के साथ रिएक्शन करा देंगे, तो एल्कोहल के साथ HI की अभिक्रिया होगी, HI की अभिक्रिया होगी, तो यहाँ से आपका H2O क्या होगा निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3CH2I+H2O बन गया आपका। तो ये बन गया आपका आयडो जो है इथेन बन गया, या वन आयडो इथेन। तो इस तरीके से आप आयोडाइड के कंपाउंड, मतलब आयोडाइड के कंपाउंड एल्किन आयडो एल्किन आप जो है बना सकते हैं ऐसे ही। नोट करें इसको, ये आप 57% का सांद्रता का आप इसको यूज करेंगे। हो गया, चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ा सा इसमें और बचा है। अब इसमें हम दूसरा देखते हैं, दूसरा रिएक्शन इसमें देखते हैं, दूसरे टाइप का यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। दूसरा आपका क्या है यहाँ, फास्फोरस हैलाइड से, किससे बनाना है फास्फोरस हैलाइड से, फास्फोरस हैलाइड से यानी कि PX3 एंड जो है PX5 से, इससे आपको कराना है। एल्कोहल से ये भी बन रहा आपका, तो आप यहां लेंगे, देखिए ROH आपका ये होगा, और आपका PCl5 के साथ या किसी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो PCl5 के साथ PCl, तो RX में आप ले लिए पहले PCl5, या अभी ऐसे आप देख लीजिए एक कॉमन सा रिएक्शन होगा X5 होगा, तो X5 में आप ऐसे इसको निकालिएगा RX आपका बनेगा। तो यहाँ पर ये आपका P है, देखिए ऐसे आप यहाँ पर सेटिंग कर लीजिएगा, तो यहाँ पर ये आपका क्या बनेगा, एक आपका X इसके साथ जाएगा यहाँ पर, और ये आपके 3X जो है यहाँ पर रह जाएंगे, और आपका 1X जो है इसके साथ, तो यहाँ से आप बॉन्ड ब्रेक कर दीजिएगा, ये यहाँ HX बन गया, ये PO जो है CL PO और X3 बनेगा, और ये RX, तो इस तरीके से बन जाएगा आपका। इसको हीट करेंगे, आप हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा RX बनेगा, और क्या बन जाएगा आपका HX बनेगा, और क्या बनेगा POX3 बनेगा, ठीक है, ये चीज बनेगा कॉमन रिएक्शन में। और अगर देखो ये चीज मैंने यहाँ लिखा है, इसी को यहाँ बना कर लिखा है, आप ऐसे यहाँ समझ लीजिएगा इसको, ये यहाँ से ठीक है, इसको आप समझ लीजिएगा, यही वाला चीज मैंने यहाँ पर बना दिया है आपको समझने के लिए, इस तरीके से रिएक्शन करेगा ये चीज बनेगा। ऐसे आपका अगर आपको कराना हो ROH का किसके साथ कराना हो, PX3 के साथ आपको कराना हो, PX3 के साथ कराना हो, तो आप कैसे कराएंगे इसको, तो इसका आपको 3 अणु लेना पड़ेगा। अब इसका जब 3 अणु लेंगे तो ये आपका देखिए आप कैसे आप रिएक्शन कराएंगे, P और X जो है आप तीनों इसी के साइड पर कर दीजिएगा, X3 को साइड इसके साथ में करिए, और बाकी जो है ये इनके साथ यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इनके साथ चला जाएगा, तो 3 भी हो गया, 3 भी हो गया, आगे 3 लगा है ये हो जाएगा, तो आपका ये बन जाएगा 3RX बन जाएगा, और ये बन जाएगा आपका H3PO3, ये फास्फोरस अम्ल बन जाएगा, फास्फोरस अम्ल, ठीक। तो इस पर हम रिएक्शन चेंज करते हैं, इस पर रिएक्शन देखते हैं क्या क्या बनेगा, याद रहे RX बनेगा HX, यहाँ POCl H3 बनेगा, यहाँ RX बनेगा, 3 अणु बनेगा इसका, एक आपको यहाँ पर 3 लेना है, ध्यान रहे यहाँ पर देखिए 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन P, तो H3PO3, ये क्या आपका फास्फोरस अम्ल, क्या है फास्फोरस
अम्ल है, ठीक है, और आपका एक एल्किल हैलाइड और एक्स है। जरा इसका रिएक्शन अब देखिए, सही माने में रिएक्शन, जैसे हमने लिया एथिल एल्कोहल लिया, ठीक है, और इसका रिएक्शन करा है हमने PCl5 के साथ, एक करेंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तो क्या क्या बनेगा, यहाँ देखिए क्या क्या बना है, तो ये आपका एल्किल समूह है CH3CH2, R तो यही है, इतना ही है ये, और इस पर क्या लिख देंगे आप, यहाँ Cl, एक Cl होगा और यहाँ बन जाएगा HCl बन जाएगा और प्लस बन जाएगा POCl3, ठीक है, ये बन जाएगा। अगर आप जो है लेते हैं एल्कोहल CH3CH2OH, अगर आप लेते हैं PCl3 लेते हैं और आप इसको हीट करते हैं तो ये आपको तीन लेना पड़ेगा, आपको तीन अणु बनेगा, ये CH3CH2 क्या बन जाएगा Cl, ठीक है, एथिल क्लोराइड, और क्या बन जाएगा आपका H3PO3 ये वाला, ठीक है, इस तरीके से हो गया है, इसको आप नोट करेंगे, ये आप एल्कोहल से इसको आपने बना लिया। ऐसे आप जो है PBr5 या जो है PBr3 से भी करा सकते हैं इसके अलग से, लेकिन इसको आपको तुरंत पहले बनाना होगा तब आप करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अस्थाई है। इसी तरीके से आप PI5 या PI3 के साथ भी करा सकते हैं, लेकिन ये क्या है, अस्थाई है, ये क्या है, अस्थाई है, इसलिए इनको पहले आप तुरंत बनाइएगा फास्फोरस और इनकी क्रिया से आप पहले इसको बनाइएगा और फिर इसके बाद रिएक्शन कराइएगा तब आपका ये बनेगा, ठीक है, ये आपका ये हुआ। एक रिएक्शन और देखते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड की क्रिया से, तीसरा है, ठीक, इसको समझिएगा रिएक्शन, ये समझने के लिए हमने बनाया है, आप बेहतर से इसको समझ लीजिए, बढ़िया से कॉपी में नोट्स करें, एक बात और, इसको बढ़िया से कॉपी में आप इसको नोट्स करते रहे, साथ साथ इसको लिखते रहे, अभ्यास करते रहे, तभी आपको बढ़िया से समझ में आएगी ये सभी बातें, और बहुत ही आसान होता है कार्बनिक रसायन। चलिए देखते हैं एक रिएक्शन और देखते हैं, तीसरा रिएक्शन हम देखते हैं थायोनिल क्लोराइड की क्रिया से, क्या है, थायोनिल क्लोराइड की क्रिया द्वारा। थायोनिल क्लोराइड क्या है आपका, थायोनिल क्लोराइड आपका FOCl2 है, यही है थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड के एल्कोहल से ही बनाना आपको, तो ROH आप एल्कोहल लेंगे और इसका FOCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, वो भी प्रीडीन की उपस्थिति में, यानी कि C5H5N, ये प्रीडीन है, क्या है, पायरीडीन, तो ये पायरीडीन प्रीडीन की उपस्थिति में क्रिया होगी। तो यहाँ देखिए बड़ा आसान है, ये बड़ा आसान है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ देखिए RX आप बना रहे और X बन जाएगा, और देखिए RX जैसे बना आपका, यहाँ एक तो आपका HCl बनेगा, RX बन गया, एक Cl यहाँ पर चला गया इसके साथ, RX बन गया, एक Cl बचा है, तो एक Cl जो बचेगा वो बन जाएगा HCl, और ये क्या होगा गैस, और बचा क्या है ऑक्सीजन, और ये SO के साथ जो है ऑक्सीजन चला जाएगा, ये बन जाएगा SO2 गैस बन जाएगा, ठीक है, बस इसको ऐसे आप समझे रहिए, इसको बड़ा ही आसान है। इस सब क्रिया को कहते हैं डॉर्जन रिएक्शन, डॉर्जन रिएक्शन, इसको कहते हैं डॉर्जन रिएक्शन, डॉर्जन अभिक्रिया इसको कहा जाता है, इसको डॉर्जन अभिक्रिया कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डॉर्जन अभिक्रिया इसको हम कहते हैं। तो डॉर्जन अभिक्रिया देख लीजिए, एल्कोहल में आप लीजिए जैसे CH3CH2OH और प्लस लीजिए आप FOCl2, ठीक है, ये तो इसको देखिए, अगर आप समझना चाहते हैं पायरीडीन यहाँ पर लगेगा C5H5N, तो अगर यहाँ देखिए SO, अगर इसको आप हम निकालना चाहें यहाँ से, तो ये OH, तो इसका OH होगा, जरा यहाँ देखिए SO, इसके साथ यहाँ से ये निकालिए, ये देखिए, और एक Cl आप इधर कर लीजिए, एक Cl इसका क्या कर लीजिए, ये इस साइड पर कर लीजिए, ठीक है, इस साइड पर कर लीजिए, तो देखिए यहाँ क्या बन गया आपका, तो क्या बन गया है CH3CH2Cl प्लस क्या हो जाएगा HCl प्लस क्या होगा
आपका बन जाएगा SO2। तो अल्कोहल की जितनी अन्य विधियां आपने पढ़ी, यहाँ पर जितनी भी अल्कोहल की अन्य विधियां आपने पढ़ी, उतना शुद्ध जो है आपको RX नहीं प्राप्त होता है। तो RX जो है आपका, इससे थायमिल क्लोराइड की जब रिएक्शन कराई जाती है, डायजल क्रिया कराई जाती है, तो इससे आपको शुद्ध RX मिलता है, यानी कि क्लोरो एल्केन, यानी कि एथिल क्लोराइड आपको शुद्ध मिलता है, क्योंकि इसमें HCl और SO2 क्या होते हैं, गैस बनता है, और ये गैस के फॉर्म में क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन अभ्यास करें। आज मैंने सारे अल्कोहल से आपको RX बनाकर सिखाया। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसको कॉपी और पेन के साथ जो है इसका नोट्स जरूर बनाते चले। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, डॉल्जन रिएक्शन कहते हैं। तो डॉल्जन रिएक्शन में आपको शुद्ध एल्किल हैलाइड जो है प्राप्त होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो हम आपके सामने लेकर फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।